शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 14 शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 14 सरूयाह का पुत्र योआब ताड़ गया था कि राजा का मन अबशालोम की ओर लगा है, इसलिए योआब ने तको नगर में दूत भेजकर वहां से एक बुद्धिमान स्त्री को बुलवाया और उससे कहा, शोक करने वाली बन, अर्थात शोक का पहरावा पहन और तेल न लगा, परंतु ऐसी स्त्री बन जो बहुत दिनों से मुए के लिए विलाप करती रही हो। तब राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी बातें कहना, और योआब ने उसको जो कुछ कहना था वह सब सिखा दिया। जब वह तकोइन राजा से बातें करने लगी, तब मुंह के बल भूमि पर गिर दंडवत करके कहने लगी, राजा की दोहाई। राजा ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, सचमुच मेरा पति मर गया और मैं विधवा हो गई, और तेरी दासी के दो बेटे थे और उन दोनों ने मैदान में मारपीट की और उनको छुड़ाने वाला कोई न था, इसलिए एक ने दूसरे को ऐसा मारा कि वह मर गया, और यह सुन सब लोग तेरी दासी के विरुद्ध उठकर यह कहते हैं कि जिसने अपने भाई को घात किया उसको हमें सौंप दे कि उसके मारे हुए भाई के प्राण के पलटे में उसको प्राण दंड दे और वारिस को भी नाश करे। इस तरह वे मेरे अंगारे को जो बच गया है बुझाएंगे और मेरे पति का नाम और संतान धरती पर से मिटा डालेंगे। राजा ने स्त्री से कहा, अपने घर जा और मैं तेरे विषय आज्ञा दूंगा। तकोइन ने राजा से कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, दोष मुझी को और मेरे पिता के घराने ही को लगे, और राजा अपनी गद्दी समेत निर्दोष ठहरे। राजा ने कहा, जो कोई तुझसे कुछ बोले उसको मेरे पास ला, तब वह फिर तुझे छूने न पाएगा। उसने कहा, राजा अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करे कि खून का पलटा लेने वाला और नाश करने न पाए और मेरे बेटे का नाश न होने पाए। उसने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने न पाएगा। स्त्री बोली, तेरी दासी अपने प्रभु राजा से एक बात कहने पाए। उसने कहा, कहे जा। स्त्री कहने लगी, फिर तूने परमेश्वर की प्रजा की हानि के लिए ऐसी ही युक्ति क्यों की है? राजा ने जो यह वचन कहा है इससे वह दोषी सा ठहरता है, क्योंकि राजा अपने निकाले हुए को लौटा नहीं लाता। हमको तो मरना ही है और भूमि पर गिरे हुए जल के समान ठहरेंगे जो फिर उठाया नहीं जाता, तो भी परमेश्वर प्राण नहीं लेता, वरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला हुआ उसके पास से निकाला हुआ न रहे। और अब मैं जो अपने प्रभु राजा से यह बात कहने को आई हूं, इसका कारण यह है कि लोगों ने मुझे डरा दिया था, इसलिए तेरी दासी ने सोचा कि मैं राजा से बोलूंगी, कदाचित राजा अपनी दासी की विनती को पूरी करे। निसंदेह राजा सुनकर अवश्य अपनी दासी को उस मनुष्य के हाथ से बचाएगा जो मुझे और मेरे बेटे दोनों को परमेश्वर के भाग में से नाश करना चाहता है। सो तेरी दासी ने सोचा कि मेरे प्रभु राजा के वचन के शांति मिले, क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत की नाई भले बुरे के भेद कर सकता है, इसलिए तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहे। राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से कहा, जो बातें मैं तुझसे पूछता हूं उसे मुझसे न छिपा। स्त्री ने कहा, मेरा प्रभु राजा कहते जाए। राजा ने पूछा, इस बात में क्या योआब तेरा संगी है? स्त्री ने उत्तर देकर कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, तेरे प्राण की शपथ, जो कुछ मेरे प्रभु राजा ने कहा है उससे कोई न दाहिनी ओर मुड़ सकता है और न बाएं। तेरे दास योआब ही ने मुझे आज्ञा दी थी और ये सब बातें उसी ने तेरी दासी को सिखाई है। तेरे दास योआब ने यह काम इसलिए किया कि बात का रंग बदले और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य बुद्धिमान है, यहां तक कि धरती पर जो कुछ होता है उन सबको वह जानता है। तब
राजा ने योआब से कहा, सुन, मैंने यह बात मानी है, तू जाकर अबशालोम जवान को लौटा ला। तब योआब ने भूमि पर मुंह के बल गिर दंडवत कर राजा को आशीर्वाद दिया और योआब कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, अब तेरा दास जान गया कि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है, क्योंकि राजा ने अपने दास की विनती सुनी है। और योआब उठकर गशूर को गया और अबशालोम को यरूशलेम ले आया। तब राजा ने कहा, वह अपने घर जाकर रहे और मेरा दर्शन न पाए। तब अबशालोम अपने घर जा रहा और राजा का दर्शन न पाया। समस्त इस्राएल में सुंदरता के कारण बहुत प्रशंसा योग्य अबशालोम के तुल्य और कोई न था, वरन उसमें नख से सिक तक कुछ दोष न था, और वह वर्ष के अंत में अपना सिर मुंडवाता था। उसके बाल उसको भारी जान पड़ते थे, इस कारण वह उसे मुंडाता था, और जब जब वह उसे मुंडाता था तब तब अपने सिर के बाल तौलकर राजा के तौल के अनुसार 200 शकेल भर पाता था। और अबशालोम के 3 बेटे और तामार नाम एक बेटी उत्पन्न हुई थी, और यह रूपवती स्त्री थी। और अबशालोम राजा का दर्शन बिना पाए यरूशलेम में 2 वर्ष रहा। तब अबशालोम ने योआब को बुलवा भेजा कि उसे राजा के पास भेजे, परंतु योआब ने उसके पास आने से इनकार किया, और उसने दूसरी बार बुलवा भेजा, परंतु तब भी उसने आने से इनकार किया। तब उसने अपने सेवकों से कहा, सुनो, योआब का एक खेत मेरी भूमि के निकट है और उसमें उसका जव खड़ा है, तुम जाकर उसमें आग लगाओ। और अबशालोम के सेवकों ने उस खेत में आग लगा दी। तब योआब उठा और अबशालोम के घर में उसके पास जाकर उससे पूछने लगा, तेरे सेवकों ने मेरे खेत में क्यों आग लगाई है? अबशालोम ने योआब से कहा, मैंने तो तेरे पास यह कहला भेजा था कि यहां आना कि मैं तुझे राजा के पास यह कहने को भेजू कि मैं गशूर से क्यों आया। मैं अब तक वहां रहता तो अच्छा होता, इसलिए अब राजा मुझे दर्शन दे, और यदि मैं दोषी हूं तो वह मुझे मार डाले। तो योआब ने राजा के पास जाकर उसको यह बात सुनाई, और राजा ने अबशालोम को बुलवाया और वह उसके पास गया और उसके सन्मुख भूमि पर मुंह के बल गिर के दंडवत की, और राजा ने अबशालोम को चूमा।